नमस्कार। आज अपने इस क्वेश्चन आंसर सेशन में ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन के साथ निपटने जा रहा हूँ कि जो कि ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है लेकिन है, सबसे महत्वपूर्ण है। किसी प्लांट को हाउसकीपिंग कैसे सुधारा जाए, ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट क्रिटिकल क्वेश्चन है। किसी प्लांट का हाउसकीपिंग को कैसे सुधारा जाए, इसके सुधारने के बड़ा सिंपल तरीके हैं। थोड़ा सा महत्व देना है और थोड़ा सा इम्पोर्टेंस बढ़ाना है और आराम से हाउसकीपिंग किसी भी प्लांट का सुधर जाएगा। जैसे मैं बता दूँ, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू 8 ऐसे एरियाज हैं जिस पर हम ध्यान बढ़ा दें, थोड़ा थोड़ा ध्यान बढ़ा दें तो हाउसकीपिंग प्लांट का सुधर जाएगा। बहुत प्लांट सही तरीके से चलेगा और अगर हाउसकीपिंग सुधर गया तो ऑपरेशन भी काफ़ी अच्छा होगा और मेंटेनेंस भी काफ़ी अच्छा होगा और प्लांट भी अच्छा चलेगा और हमारा जनरेशन भी बहुत अच्छा होगा। कभी इंटरप्शन नहीं होगा, कभी बंकर लेवल डाउन नहीं होगा। वो क्या है, पहले हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कोयला कहाँ कहाँ गिरता है। कोयला गिरता है टेल एंड में गिरता है। दूसरा जो है रिटर्न साइड ऑफ कन्वेयर बेल्ट के रिटर्न साइड में कोयला ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ कन्वेयर गैलरी एक कोयला गिरता है, उस एरिया को हमको देखना है। बेल्ट स्वे होने के कारण भी कोयला गिरता है और बेल्ट भी डैमेज होता है। कभी कभी बेल्ट स्नैप हो जाता है तो बहुत सारे कोयले उतारने पड़ते हैं और उसके कारण पूरा गैलरी गंदा हो, कन्वेयर गैलरी गंदा हो जाता है और कोयला बहुत नीचे गिराना पड़ता है, फिर उठाना पड़ता है और बहुत बड़ा वो सफाई का एक प्रोजेक्ट हो जाता है। कभी कभी शूट लीकेज होता है तो कोयला गिरते रहता है। इसके अलावा और एक प्लांट की हाउसकीपिंग समस्या है स्क्रैप रिमूवल फ्रॉम साइट। स्क्रैप जो मेंटेनेंस काम करता है, स्क्रैप भी साइट में छोड़ के चले आते हैं और बहुत लोग लेक भी आते हैं, वो उसके लिए भी साइट का हाउसकीपिंग बहुत बैडली अफेक्टेड होता है। और आठवां जो रीजन है एंड लास्ट रीजन, ऑपरेशन डिपार्टमेंट का कोऑपरेशन भी बड़ा ज़रूरी है। बिना ऑपरेशन डिपार्टमेंट के कोऑपरेशन के प्लांट का हाउसकीपिंग सुधारना थोड़ा सा मुश्किल काम है, थोड़ा क्या बहुत ही मुश्किल काम है। तो पहले पॉइंट को हम टेकअप कर लेते हैं और मैं बहुत संक्षिप्त में इसको टेकअप करूँगा क्योंकि सभी के बारे में मैं विवरण पहले देख चुका हूँ। टेल एंड का पहले टेकअप करते हैं। टेल एंड में जो कोयला गिरता है इसके कारण है स्कट रबर से गिरता है और स्कट रबर से कोयला न गिरे इसके लिए बहुत बढ़िया एक हमने एक इनोवेटिव आइडिया जनरेट करके लगाया है। उससे न तो बेल्ट कटता है, न लीकेज होता है और लाइफ काफ़ी लंबा मिलता है। वो है बैलून स्कट रबर। हम लोग सीधा बेल्ट काट के लगा देते हैं, मैन्युफैक्चरर से लगाते हैं। नॉर्मली कोई प्लांट मैन्युफैक्चरर से मंगा नहीं पड़ता, उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत कॉस्टली अफेयर हो जाता है। तो प्लांट के बेल्ट को काट करके स्कट रबर लगाते हैं जो कि 2 दिन के अंदर उसमें गैप होता है, फिर धीरे धीरे कोयला निकलना चालू होता है, फिर फट उसमें कोयला घुस करके फट जाता है, बाद में बहुत सारा कोयला निकलता है। ये बैलून स्कट रबर ऐसा है कि ये 1 mm भी 0.1 mm भी गैप नहीं आने देगा। करीब करीब एक बार लगा दिए तो 3-4 महीने तक बिल्कुल डस्ट लीकेज नहीं होता है। बैलून स्कट जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ, पहले हमारे वीडियो को रेफर करने से इसका डिटेल्स पता चल जाएगा। दूसरा, जो रिटर्न साइड में जो कन्वेयर बेल्ट में जो कोयला गिरता है ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ कन्वेयर गैलरी, उसके लिए भी मैं इसके पहले वीडियो दे चुका हूँ। वो बैलून स्क्रैपर लगाने से वो बिल्कुल कोयला नहीं गिरता है, बिल्कुल कन्वेयर गैलरी साफ रहेगा। ये दूसरा एरिया जो गंदा होने का होता है सबसे ज़्यादा, इसका उपाय है बैलून स्क्रैपर। तीसरा एरिया जो है बेल्ट स्वे के कारण जो है कोयला साइड से गिरता है, पूरा कन्वेयर गैलरी भर जाता है, डेक प्लेट भर जाता है, सील प्लेट भर जाता है,
तो बेल्ट स्वे न होने के लिए भी मैं वीडियो दे चुका हूँ और उसको अपनाए जाने से हो जाएगा, वो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। चौथा जो कारण है बेल्ट स्नैपिंग, बेल्ट स्नैपिंग न हो और कभी भी बेल्ट स्नैपिंग नहीं होगा अगर ये मेरे बताए हुए और मेरे निकाले हुए आइडिया पर चला जाए तो वो ये है कि सभी जॉइंट में आई कवर लगा दिया जाए। आई कवर लगा देने से बेल्ट स्नैप नहीं करेगा। जैसे किताब के ऊपर हम जिल लगाते हैं तो कभी भी वो किताब पुरानी नहीं होती है, वो आई कवर किताब का जिल बदलते रहते हैं। उसी तरह जॉइंट के ऊपर आई कवर लगा देते हैं, आई कवर बदलते रहेंगे और जॉइंट कभी पुराना होता ही नहीं है, वो होगा ही नहीं। इस तरह जॉइंट हमेशा नया, कभी स्नैप नहीं होगा, हमेशा जॉइंट नया का नया बना रहेगा। पांचवा पॉइंट है सूट लीकेज। सूट लीकेज के लिए, सूट रिप्लेसमेंट के लिए प्लेट को कैसे रिप्लेस किया जाए, मिनिमम टाइम में सूट प्लेट कैसे रिप्लेस हो जाएगा, इसके बारे में एक मैं वीडियो दे चुका हूँ। उसको अपनाया जाएगा तो आधे समय में सूट रिप्लेस हो जाएगा, जबकि सूट रिप्लेसमेंट के लिए बहुत समय लिया जाता है, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। छठा पॉइंट मेरा स्क्रैप रिमूवल है। स्क्रैप रिमूवल के लिए सबसे बढ़िया उपाय यह है कि उसके लिए कभी अलग से प्लानिंग ना करके, जब हाउस कीपिंग के आदमी, इसके बारे में एक आदमी के प्रयास नहीं होगा, सबका प्रयास ज़रूरी है और सबको इसके बारे में एजुकेट करना पड़ेगा और प्रयास करना पड़ेगा। जो हाउस कीपिंग के आदमी शाम को 5 बजे 6 बजे काम से लौटते हैं, तो सभी हाउस कीपिंग के आदमी अपने हाथ में एक एक पीस अप टू 5 kg तक स्क्रैप मटेरियल अपने हाथ में लेते हुए ऊपर से नीचे उतरेंगे या साइड से आएंगे और एक जगह आइडेंटिफाई प्लेस में उसको रखते जाएंगे। ये प्रैक्टिस को अपनाना पड़ेगा और ये प्रैक्टिस को अपनाने में बहुत प्रयास करना पड़ता है, आसानी से लागू नहीं होता है। एक आदमी के प्रयास से होगा ही नहीं, सिर्फ ऑर्डर दे देने से, सबके प्रयास से होगा और कंटिन्यूस इसके पीछे लगे रहने से एक काम बहुत आसानी से होता है और स्क्रैप रिमूवल बड़े आराम से हो जाता है। हमने किया है काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, जब तक इसके प्रति अलर्ट रहते हैं तभी तक लेकिन हो पाता है। और दूसरा पॉइंट है इसी का कि स्क्रैप जो भी जनरेट करता है उनको भी, उस मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को भी 5 kg तक अपने साथ स्क्रैप लेके ही वापस आना चाहिए और उसको आइडेंटिफाई प्लेस में रखना चाहिए, ताकि सफाई करना और जनरेट करके साइट में छोड़ना उनका काम नहीं है, बल्कि उनको हटाना भी काम है, ये उनके पार्ट ऑफ ड्यूटी में होना चाहिए। तो स्क्रैप रिमूवल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस दोनों की जिम्मेवारी में अटैच किया जाना चाहिए, आई मीन हाउस कीपिंग और मेंटेनेंस की जिम्मेवारी में अटैच किया जाना चाहिए। और ऑपरेशन डिपार्टमेंट को भी हाउस कीपिंग को महत्व देना चाहिए, उसको कोऑपरेट करना चाहिए। कभी कभी सूट लीकेज होते रहता है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट प्लांट बंद नहीं करता, लीकेज करा करके और प्लांट चलाते रहता है। वो कितना भी हाउस कीपिंग का आदमी बोलेगा कि यहाँ लीकेज होता है, बंद कीजिए, बंद नहीं कर, क्योंकि उसको सिस्टम चेंज करना पड़ता है, सिस्टम चेंज करने में काफ़ी परेशानी होती है। इस तरह जो है वो ऑपरेशन डिपार्टमेंट लीकेज करा करके प्लांट चलाता है और हाउस कीपिंग के लिए समस्या खड़ा कर देता है। तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट को हाउस कीपिंग का रिपोर्ट मिले कि कोयला गिरता तो इमीडिएट प्लांट बंद करके चेंज ओवर करना चाहिए। अगर नहीं हाउस ऑपरेशन डिपार्टमेंट चेंज ओवर करता है तो हाउस कीपिंग को अथॉरिटी देना चाहिए ताकि वो प्लांट को पुश बटन दबा करके, पुलकट दबा करके बंद कर दे। और ये अथॉरिटी उसको भी मनमाना ढंग से नहीं, ऐसा अथॉरिटी देने के बाद उसके सीनियर को सपोर्ट करना पड़ेगा कि कोयला लीकेज करा के हमको प्लांट नहीं चलाना है, बंद करने का उसको अधिकार है। अगर ऑपरेशन डिपार्टमेंट उसके रिक्वेस्ट को नहीं सुनता है, उसके रिक्वेस्ट करने से नहीं प्लांट बंद करता है, तो इस तरह जो है ये 8 रीजन हमने आइडेंटिफाई किया है जिसके कारण प्लांट गंदा होता है और ये सभी आराम से इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। ये तो मेरा पार्ट ऑफ ड्यूटी है, पार्ट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये करना ही पड़ता है, लेकिन हम कोयला गिरा करके प्लांट गंदा करके करते हैं। इस तरह जो है प्लांट साफ रखना, हाउस कीपिंग को अच्छा मेंटेन करना बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा अलर्टनेस सबके तरफ बढ़ाना पड़ेगा, इसको महत्व देना पड़ेगा, इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, उस आदमी को महत्व देना पड़ेगा जो हाउस कीपिंग से अटैच्ड है। तो इस तरह जो इसका महत्व बढ़ेंगे और हाउस कीपिंग सुधरेगा, हाउस कीपिंग सुधरेगा तो सब कुछ सुधर जाएगा, मेंटेनेंस सुधर जाएगा, ऑपरेशन सुधर जाएगा,
इक्विपमेंट कंडीशन सुधर जाएगा, बंकर लेवल सुधर जाएगा और जनरेशन सुधर जाएगा एंड हो। इसी के साथ मैं ये वीडियो अब समाप्त करने जा रहा हूँ। बहुत संक्षिप्त में विवरण दिया ताकि ये सब पर मैं वीडियो दे चुका हूँ, हर पर डिटेल से बोलूँगा तो बहुत बड़ा एक डेढ़ घंटे का वीडियो हो जाएगा, जो कि उतना बड़ा वीडियो कोई देखेगा नहीं सुनेगा ही, हम बनाने का मेहनत भी बेकार चला जाएगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ और आप लोगों से नम्र निवेदन है कि हमारे परिश्रम को पहचानिए और पहचान करके इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि सभी लोगों को इसे लाभान्वित हो सकें और आप भी लाभान्वित हो सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।